हेलो गाइस, जो हमने क्यू एंड ए एक वीडियो बनाया था, इन कंटिन्यूशन टू दैट हम एक ये सेकेंड वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन हाउसेज ऑन 5 डेज जो क्लासेस हुई हैं उसके बेसिस पे मैं स्टार्ट विद द इंडक्शन डे। लास्ट वीक सैटरडे को हमारा इंडक्शन था। इंडक्शन में हमारे मतलब इट वाज डन इन द कॉन्फ्रेंस सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। वहाँ पे सारे प्रोफेसर थे, दे गेव स्पीच वन बाय वन। हाँ, तो स्टार्टिंग हुई, पहले प्रोफेसर आए, उन्होंने एक लाइट जो लैम्प होता है दिया, उन्होंने प्रज्वलित करा। उसके बाद जो सेकेंड ईयर के सीआरस हैं वो आए, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। देन प्रोफेसर आए वन बाय वन, स्टार्टेड विद द डीन सर सर, देन फॉलोड बाय दी अदर सीनियर फैकल्टीज। पोस्ट दैट हमारा एक छोटा सा हाई टी सेशन था जिसमें नॉर्मल स्नैक्स थे, जिसमें हमें मौका मिला टू गेट टू नो मोर पीपल, टू गेट टू नो मोर अबाउट द पीपल, मोर अबाउट द बैच, वट सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी दे कम विद, वट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड एक्सपीरियंस दे कम विद। तो वैसे अच्छा लगा डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से मिलकर, विद डिफरेंट टेन्योर और डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एज। ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग दैट डे। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं सेशन के, हमारे इंट्रोडक्शन इंडक्शन जो सेशन था सैटरडे, उसके बाद आते हैं हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी मंडे से। तो मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि एफएमएस एग्जीक्यूटिव नॉर्मल एग्जीक्यूटिव की तरह होता होगा, जहाँ पे खाली 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट दैट्स रॉन्ग। एफएमएस एग्जीक्यूटिव इज़ लाइक इवनिंग एमबीए रेगुलर, वेर इन आप 6 डेज क्लासेस अटेंड करेंगे। यस, दैट्स करेक्ट। 6 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है शाम 6 से 9, और सैटरडे को होती है 3 से 9। सैटरडे को हमारी 2 लेक्चर्स होते हैं। तो ऐसे इन अ वीक देर आर 7 लेक्चर्स। तो ये टाइम टेबल है। मैं आपको और करिकुलम के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर, इनफैक्ट एवरी सेमेस्टर में हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेमेस्टर, देर आर 7 सब्जेक्ट्स विच आर ऑल कंपल्सरी। इन सेकेंड सेमेस्टर ऑल्सो ऑल 7 सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी। थर्ड सेम में 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट से 4 इलेक्टिव्स हैं, बेसिस द मेजर यू विल सेलेक्ट इन द सेकेंड ईयर। एंड इन फोर्थ सेमेस्टर अगेन देर आर फोर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, अगेन बेसिस ऑन द मेजर दैट यू विल सेलेक्ट। तो इस तरह से करिकुलम चलता है। टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, पहले लास्ट ईयर कोविड की वजह से सारे ऑनलाइन एग्जाम थे, बट दिस टाइम विल नॉट हैपन। वी हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, जहाँ पे हम रेगुलर एमबीए वालों के साथ बैठ के एग्जाम देंगे। आई डोंट नो द एग्जाम पेपर विल बी सेम फॉर द रेगुलर एंड अस, बट एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल होगा दैल बी सेम। तो हम एक ही हॉल में बैठ के हम एग्जाम देंगे, एंड विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल स्कूल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं वैसे एग्जाम्स होंगे। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। आई विल स्टार्ट विद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल फाइनेंस, देन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देन स्टैट्स, डेटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग, एक दो लेक्चर्स और इकोनॉमिक्स, देन एक लेक्चर और है, एक सब्जेक्ट और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सिंस अभी 5 ही लेक्चर्स लिए हमने, आज 2 और लेक्चर्स ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, फ्राइडे तक डेली शाम को ऑफिस के बाद क्लासेस अटेंड करते थे। मोर और लेस 9 बजे तक फ्री हो जाते थे। कुछ प्रोफेसर्स थे जो टाइम से छोड़ दिया करते थे, कुछ थोड़ा लेट छोड़ते थे। वहाँ से घर मतलब ऑफिस से निकलते थे, आई एम सॉरी, हम कोई 9 7 ओ के आसपास हम अपने कैंपस से निकलते, साउथ कैंपस। देन वहाँ से हम बाय कार पूल, बहुत सारे फ्रेंड्स जो नियर बाय रहते हैं, तो आई वॉज टेकिंग द हेल्प ऑफ देम, आई वॉज कार पूलिंग विद देम, एंड साथ में आते थे, 10 साढ़े 10 बजे आ जाता था। तो पिछले 1 हफ्ता इट वॉज लाइक हेवेयर, बिकॉज नया शेड्यूल है, थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, और टाइम तो घर पे मिल नहीं रहा, ऐसा लग रहा था बस घर पे सोने के लिए आ रहे हैं। तो रात में सो जाते, सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे निकलना है, 8 बजे ऑफिस पहुँचना है, बिकॉज 5 बजे तक फ्री होना है क्योंकि 6 बजे से क्लासेस है। तो पिछले 1 हफ्ते से ये रूटीन चल रहा है। आज सैटरडे है, थोड़ा रिलैक्स हूँ, सुबह थोड़ा लेट तक सोया, लेकिन अभी 3 से 9 आज फिर से 2 लेक्चर्स हैं। तो अगले 2 साल तक यही शेड्यूल चलने वाला है, डिस्पाइट सम रिलैक्सेशन जब बीच में समर ब्रेक है, विंटर ब्रेक्स हो गए, उसके अलावा इल बी ऑल जाम पैक।
एक चीज़ और है, ऐसा बताया प्रोफेसर ने कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होगा उसके बाद एग्जामिनेशंस होंगे, एग्जामिनेशंस जैसे ही ख़त्म होंगे नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स योर सेकेंड सेमेस्टर विल स्टार्ट, सो देर इज़ नो गैप नो ब्रेक बिटवीन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन और एंड द सेकेंड सेमेस्टर का कमेंसमेंट। तो ऐसा है, हैविंग वेरी हाई होप्स विद दिस प्रोग्राम, आई एम पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स दैट आई कैन मेक दैट आई कैन डू, एंड जैसे प्रोफेसर्स बोल रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, हम बस जस्ट उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो जस्ट स्टे विद अस एंड विल कीप यू मोर ऑन दी अपडेट्स, विल कीप यू पोस्टेड कि सैटरडेज़ का क्या होता है, एग्जामिनेशन में कैसे होगा। एंड वन मोर थिंग, आर सीनियर्स टोल्ड अस दैट देर विल बी फ्रेशर्स पार्टी, देर विल बी पार्टी ऑर्गेनाइजिंग विच विल बी ऑर्गेनाइज बाय द सीनियर्स फॉर अस, सो वी हैवन्ट रिसीव्ड एनी अपडेट येट ऑन दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली जब भी होगा आई विल कीप अपडेटिंग अबाउट के सीनियर्स कैसे हैं। अच्छा, सीनियर्स से एक चीज़ और याद आई, हर एक सेमेस्टर में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनफैक्ट देर आर टू क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स विच रिप्रेजेंट द होल क्लास एंड विच कोऑर्डिनेट विद द प्रोफेसर विद इन रिलेशन टू एनी थिंग। तो अभी क्या हो रहा है कि इलेक्शंस कल हुए हैं, वोटिंग चल रही है, आज लास्ट डे है वोटिंग का एंड मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक फाइनल हो जाएगा कि हमारी क्लास में से कौन से दो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमने सेलेक्ट करे, हु विल बी टेकिंग केयर फॉर हु विल बी रिप्रेजेंटिंग आर साउथ कैंपस 22-24 बैच फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन माई डेली रूटीन, हाउ आई कम्यूट फ्रॉम माई होम टू ऑफिस, देन ऑफिस में कैसे, देन ऑफिस टू कैंपस, देन कैंपस टू अगेन घर, कैसे क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप FMS ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग। सो आई एम एट दी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस सेंटर एंड तो आज हम कॉन्फ्रेंस सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पर्पस सिंपल है, आज हमारा डे वन है, दिस द इंडक्शन प्रोग्राम ऑन डे वन ऑफ आर कोर्स। सिंपल सा आज का प्रोसीजर है, आके बैठेंगे यहाँ पे, इल बी आइस ब्रेकर विद ऑल द पीपल, ऑल माई बैचमेट्स, क्लासमेट्स, सीनियर्स, प्रोफेसर्स एंड एवरी थिंग एंड देन देर विल बी हाई टी। तो ऐसा दिखता है कॉन्फ्रेंस सेंटर, अभी आपको दिखाता हूँ मैं अंदर क्या है। ये क्या होता है डबल कैलकुलेटर? दो कैलकुलेटर की। अच्छा, अरे नहीं, मेरे साथ कर लेना। जो काम होना चाहिए है? काम होना चाहिए, पड़ोसी हो अपना हो। कैलकुलेटर आज कैलकुलेटर के सामने रख के फोटो खींच लीजिए, बता रहा हूँ पास होने के बाद।
चाय लेते हैं। चाय चाय आ भी रहे शूटिंग ओके फ्रेंड्स। तो अभी सैटरडे ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, 3 बजे 3:30 बजे से लेक्चर स्टार्ट है। आज लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। बट अल्टीमेटली उन सबके पीछे अल्टीमेट रीजन क्या है? द रीजन इज यू, बिकॉज इट्स यू हु हैज टेकन द डिसीजन। इट्स यू हु हैज who has not motivated your subordinates. It is you who has taken wrong decisions in finances. Brainstorming. उन्होंने पूरे 2.5 घंटे हमारी brainstorming ही कराई, मतलब हम एंड देखते हैं आज इकोनॉमिक्स में क्या होता है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग and keep liking the video. Bye bye.